बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भाई आज हम अपने गार्डन में आए हैं। मेरा पैर टूट गया, छिल गया। ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अब इसका। ये हमारा गैरेज है, सॉरी शेड है, कुछ इस तरह का। तो अब इसको ओपन करते हैं। क्योंकि गार्डन तो हमारा नहीं खुला, लेकिन हम यहाँ पर ये चेयर्स वगैरह इनको सेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं। कुछ इसका ये हाल होया पड़ा है। ओह माय गॉड, तो ये हमारा गार्डन है पीछे से। इसको साफ करने वाला होया पड़ा है, तो बस साफ करेंगे सारा। और ये बस अब यहाँ पे ये घास वगैरह है, सबको क्लीन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बैठना अच्छा है, अब कोई और भी अपना साफ कर रहा है, क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा है। गार्डन में बैठने के दिन है, तो हर कोई चाहता है कि वो गार्डन में बैठे एंजॉय करे। तो अब मैं स्प्रे लेके आऊँगी, इनको साफ़ करूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा खुल जाए, ये ओपन ही हो रहा। ये हमारे गार्डन में फूल हैं, ये भी हमारा डस्टबिन पड़े हैं, और यहाँ पर एक टूटी भी लगी है जहाँ से पानी भी आता है। तो उसके अंदर मैंने चेयर्स सेट की हैं, उनको वॉश करना है। अब घर के अंदर से थोड़ा ऑयल लेके आएंगे ताकि कर सकें इसको सेट। यहाँ पर मैं इसमें एक मुझे बोतल मिली है, इसमें पानी डाल रही हूँ। चेयर्स के ऊपर जो मिट्टी है वो साफ करूँगी, फिर स्प्रे करूँगी उसके ऊपर, फिर देखते हैं। अब मैंने ये पानी पकड़ा है, एक हाथ में मैंने थोड़ा ऑयल पकड़ा है दरवाज़े में लगाने के लिए, ताकि दरवाज़ा खुल जाए। और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये रास्ता बना है। अभी नज़र तो नहीं आ रहा सही तरह से, लेकिन ये है कि इस पर पानी वगैरह डालते हैं, उसको थोड़ा सा कोई साफ़ करने की कोशिश करते हैं, शायद उसकी शक्ल निकल आए। Thank you.
इनको, ओह माय गुडनेस, मैं ऑयल लेके आई थी दरवाजे में लगाने के लिए, लेकिन वो मैं भूल गई, याद नहीं रहा, तो वो मेरा ऑयल ही गिर गया। तो अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो फिर लेके इसमें डालते हैं, शायद ये खुल जाए, जंग लगा पड़ा है इसको। और मैं कुकिंग ऑयल ही लेके आई हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मेरे शू पाँव गंदे थे, अब मैं गंदे स्लीपर्स में तो नहीं जा सकती थी, सो दैट्स वाई। और ये मैंने स्प्रे पकड़ा है क्लीनिंग के लिए, ये स्प्रे कर रही हूँ मैं, इससे भी ये साफ होगा काफी ज्यादा, ये चेयर्स भी साफ करता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, हम तो इसको अपनी तरफ से फुल चमकाने की कोशिश करेंगे। इनको मैं इधर से करूंगी, फिर मैं इनको अच्छे से स्प्रे लगा के छोड़ती हूँ थोड़ी देर, और मैं वो भी लेके आती हूँ। मैंने सोचा मैं पीछे भी थोड़ा मार दूँ स्प्रे, जरा सीन तो इधर भी होंगे। इनको अब अच्छे से फिर मैं वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद इनको मैं फिर दोबारा सैनिटाइज़र से स्प्रे करूँगी, डिटॉल वाला स्प्रे भी करूँगी, ताकि इसमें कोई ज़रा सीन कोई चीज़ रह ना जाए। ये हमारे बैठने के काबिल हो जाए, इनको थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर इनकी शक्लें देखते हैं कि कैसे होती है। चलो जी, इसको तो देखते हैं, इसमें मैंने डाला था ऑयल, ऑयल मेरे पूरे ट्राईपॉड पे लग गया है, शायद मुझे इसके अंदर डालना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने सब पे स्प्रे तो कर दिया है, तो उसके बाद अब इनको छोड़ते हैं कोई घंटा डेढ़ घंटा, और ये मकरी एक फेड़ी है मेरी, मुझे ना काट ले, तो अब घर जाएंगे, इनको पड़ा रहने देते हैं, ये साफ़ हो जाएंगे खुद ही, फिर इनको वॉश करेंगे कल, और देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि हमें इसको क्लीन करना है ताकि हम गार्डन में बैठ सके, तो ये अब कुछ गार्डन ऐसा लग रहा है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, कल इस यहीं से शुरू करेंगे, कुर्सियों को साफ करेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।